रोहित बोहरा कल भी दो तीन थे इधर के भी उधर के भी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबकी तरफ से पूछना चाहूँगा कि आपकी धर्मपत्नी जी, हमारी भाभी जी की तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल उनको रश कर दिया गया था रात को, और हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो। इलाज चल रहा है, आप सबकी दुआओं से उम्मीद है कि जल्दी ठीक होंगी। हाँ, श्री रोहित बोहरा। प्रश्न संख्या 87। माननीय मंत्री जी। मैम, आई हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स। मैंने आपकी सड़क नीति भी पढ़ ली। आई हैव नाउ टू क्वेश्चंस टू आस्क। हिंदी में बोलो भाई। मैडम, मैं दो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने आपका आंसर पढ़ लिया, इसीलिए पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। सीधा पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या आप सभी श्रेणी जो सड़कों का आप नवीनीकरण कर रहे हैं, आर यू अडहेरिंग टू द नॉर्म्स? जो आपने नॉर्म्स अपनी सड़क नीति में दिए हैं, 4 साल, 6 साल, 8 साल, क्या आपने सभी सड़कों पर आपने ये अडहेर करे हैं नॉर्म्स? 4 साल, 5 साल, 6 साल और 8 साल, पहला प्रश्न मेरा ये है। जी अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि आपने पिछले 3 सालों की मुझे नवीनीकरण की पूरी लिस्ट मुझसे मांगी है। प्रदेश में कितने नवीनीकरण, कितना नवीनीकरण हुआ है प्रदेश में सड़कों का? तो माननीय अध्यक्ष जी, 3 साल से तो आप ही की सरकार थी, हम लोग तो अभी आए हैं। और मैं सदन को पूरा आश्वासन, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, किसकी सर? आई एम नॉट आस्किंग अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। आपको आश्वासन क्वेश्चन नहीं, आप पूरा उत्तर सुन लीजिए, फिर आपको प्रश्न का होगा। जो प्रश्न मंत्री जी दे रहे हैं उसको चुपचाप सुनना है। सुनना तो पड़ेगा, अगर 3 साल की सूची मांगेंगे। आप बोलिए माननीय मंत्री जी, बोलिए। ऐसा है, गत 3 वर्षों में तो जैसा मैंने बताया आपकी सरकार थी और बहुत कम नवीनीकरण हुआ है। बिल्कुल सही आपका प्रश्न भी था, चिंता तो हम सभी को है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि इस बजट में लगभग 9000 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण, नवीनीकरण एवं उन्नयन प्रस्तावित है। अगला पूरक। सर, जो मैंने क्वेश्चन करा, मैं सिर्फ उसका आंसर चाह रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं चाह रहा यहाँ पर। क्या करें? मैं क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ, मेरे को आपका संरक्षण चाहिए। मैंने इनसे ये पूछा, जो नॉर्म्स हैं, जो आपकी सड़क नीति बनी हुई है, क्या आप उनके नॉर्म्स को अडहेर कर रहे हो? आर यू फॉलोइंग दोज नॉर्म्स और नॉट? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन। माननीय मंत्री, बिल्कुल हम लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ऐसा कुछ अगर है तो आप मुझसे मिले। आपकी कोई अगर ऐसी विशेष सड़कें हैं जो आपको लगता है 3 सालों में ध्यान नहीं दिया गया? मैडम, वैसे तो ये समस्या तो पूरे प्रदेश की है, प्रदेश की है, और पूरी तरह से हमारी सरकार इस पे पूरी तरह से काम भी करेगी। मैडम, मेरे यहाँ ना तो कोई सड़क की प्रॉब्लम है, ना मैं आपसे मांग रहा हूँ। आपने जो 9000 करोड़ का बजट दिया है, उसमें से 2000 करोड़ सेंट्रल सरकार के आपके नहीं है, ये भी आपको बता देता हूँ। वो भी आपके नहीं है, वो भी आपके नहीं है। आपने जो बजट में विंडो ड्रेसिंग करी है, उसकी बात नहीं कर। अब दूसरा प्रश्न पूछो। जब वो जवाब दे रही है, मैं भी वैसे ही जवाब। नहीं,